हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो के अंदर हम पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि पहले आए हुए हैं टेंस के टॉपिक पे बेस्ड, मतलब जिनमें गलतियां टेंसेस से रिलेटेड थी, उन क्वेश्चंस को हमने इस वाले वीडियो के अंदर लिया है और एक प्रैक्टिस की तरह हम इन्हें यूज़ करेंगे कि जो भी रूल्स हमने पिछले वीडियोज़ में देखे हैं वो हमें किस तरीके से एग्जाम के अंदर अप्लाई करने हैं अगर क्वेश्चन आता है तो स्पॉटिंग एरर का. तो सबसे पहला क्या था, I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. और लास्ट में है no error. अब यहाँ पे हमें तीन चार पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन से वाले पार्ट में जो है वो मिस्टेक है. सो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स. सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो सेंटेंस है उसके अंदर बात कौन से टेंस के अंदर की हुई है. ठीक है, अगर टेंस के रूल्स ठीक लगे हुए हैं, मतलब उसी टेंस में बात की हुई है और रूल्स सही अप्लाई किया हुआ है, तो फिर जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है या सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, वो वाले रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे. अब आप इसमें फर्स्ट वाले में ही देखो कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स. अब सिंस देख के आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है. तो हमने पहले जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं. फॉर जो है वो यूज़ होता है जब भी हम कोई पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल जैसे कि फॉर टू आवर्स, फॉर लास्ट टू ईयर्स, फॉर फाइव ईयर्स, फॉर लास्ट टू मंथ्स, फॉर टेन ईयर्स. ऐसे जब हम एक सर्टेन पीरियड की बात कर रहे होते हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं. और सिंस कब यूज़ करते हैं, सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कैसे, सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल. तो सिंस जो है वो कैलेंडर और क्लॉक इनके अकॉर्डिंग यूज़ होता है. और जो फॉर है वो एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दो घंटे से, दो सालों से, तीन हफ्तों से, पर एक प्रॉपर टाइम, डेट, ईयर, मंथ या ओकेजन की बात हो रही है, या फिर 7 बजे से, 8 बजे से, या अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ. सेंस क्या है कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए भी यूज होता है, पार्ट ऑफ ईच डे के लिए भी यूज होता है. जैसे कि मॉर्निंग, लास्ट नाइट और नून. क्लियर है? तो यहां पे क्या यूज हो रहा है, 20 ईयर बोल रहा है ये. 20 ईयर्स क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया. तो यहां पे सिंस यूज नहीं होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है, फोर. तो हमें एरर पता चल गया कि ए वाले सेक्शन में जो सिंस है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, चेंज करके उसको फोर लगाएंगे वहां पे. तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स And so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. मैंने उसे 20 साल से देखा ही नहीं है, इसीलिए मैं इस बात की कोई भी, मतलब कि एक पक्के उसके साथ नहीं कह सकता कि वो जिंदा है या मर गया है. तो इसमें जो एरर है वो पार्ट ए में है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसां ऑफ भरतनाट्यम, हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकंपनिस्ट्स who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances. No error. अभी एक बहुत लंबा सेंटेंस हमें दे दिया गया है, इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि कब की बात हो रही है. तो हमें सबसे पहले उससे टेंस पता चल जाएगा. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो बात है वो पास्ट टाइम की बात है. अगर वो बात पास्ट टाइम की है तो यहाँ पे जो अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसां, इससे हमें पता चल रहा है. तो यहाँ पे अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसा से हमें पता चल गया कि अगर बात पास्ट टाइम की है तो यहाँ पे जो हैव है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, हैड में, क्योंकि हैज हैव किस में लगते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर लगते हैं. और बात यहाँ पे पास्ट की हो रही है तो यहाँ पे जो हैड है वो रिप्लेस कर देगा हैव को. तो ए वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे मिस्टेक है, हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा. ईजी था, रूल पता है आपको कि पास्ट टाइम में बात हो रही है, पास्ट टाइम में बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत से आप बदल के वहाँ पे आंसर ठीक कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड. आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टियल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेन स्टेकिंग फॉगिंग ऑफ रेशनल और मोर सेल्फ.
तो अब इसके अंदर आपको देखना है कि जो गलती है वो किसके अंदर हुई है. अब यहाँ पे आप टेंस देखो सबसे पहले. आ हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग ऑफ रेशनल एंड मोर सेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे हैव बीन लगा दिया. हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो क्या यूज होता है, आईएनजी यूज होता है, वो तो यूज हो रहा है पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग. पर ये जो पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग है वो क्या है, सिंगुलर है. और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज. तो यहां पे आएगा विच देयर हैज बीन. क्लियर. तो आ हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टल डेवलपमेंट इन विच देयर हैज बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग. क्योंकि पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग इज सिंगुलर, दैट्स वाई सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगेगा. ये वाला आ गया, इजी था. अगला देखते हैं. देखने में कितना ज्यादा हार्ड लगता है कि क्या सेंटेंस दे दिया इसमें कैसे पता चलेगा. नहीं, आपको सिंपल सा वर्ब की फॉर्म देखनी है, कब बात हो रही है, सिंगुलर है प्लूरल है नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखा है या नहीं लगा रखा है रूल के अकॉर्डिंग. दैट्स इट, आपका इजीली आंसर निकल के आएगा. फोर्थ क्या है, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया. अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में हमें क्या लगता है कि हाँ इज लगाया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया हुआ है. पर नहीं, हमें सबसे पहला जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था तब हमें क्या बताया गया, सबसे पहले तो सिंस लगा हुआ था, उसके बाद हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेन, मतलब कि जब वो भारत में आया तो उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा विलेजेस घूमने शुरू किए और वो अभी भी घूम रहा है. मतलब कि जो एक्शन था वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका था और अभी भी चल रहा है. मतलब कि जो बात है वो हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर. और जब बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हो रही है तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लग जाएगा, हैज बीन. क्लियर, एरर डिटेक्ट हो गया, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केनिया ड्यूरिंग द वॉर. अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा, लास्ट टू ईयर मतलब पास्ट की बात है, जो प्रिजनर्स थे इटालियन प्रिजनर्स थे वॉर के, उन्होंने क्या किया, वो जेल से भाग गए थे. ठीक है, ड्यूरिंग द केनिया वॉर. अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, पर हमने यहाँ क्या लगा रखा है, वर्ब के साथ लगा रखा है ईएस, विच इज रॉन्ग, क्योंकि वर्ब के साथ ईएस हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लगाते हैं. जब पास्ट की बात हो रही है तो हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट इज escaped. ठीक है, ये वाला हो गया. Sixth, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही जो CEO है उसने एंट्री की ऑफिस के अंदर, तो यूनियन लीडर्स ने उन्हें अप्रोच किया, मतलब उनसे बात की और जो भी मैटर हुआ था उसकी रिपोर्ट उन्हें दी. अब इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस के अंदर है, मतलब पास्ट टाइम की यहाँ पे बात हो रही है. तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, उन्होंने रिपोर्ट किया, दिस इज द वर्ब. तो वर्ब पास्ट टाइम में कौन से यूज होती है, सेकेंड फॉर्म यूज होती है, रिपोर्टेड कर दो फटाफट. आ गया आपका आंसर सामने, एरर फाइंड कर लिया आपने. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बात है, जो सेंटेंस दिया गया है वो टेंस कौन सा है. जो भी टेंस है उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, जो नहीं लगा रखा है वहाँ पे गलत पुट कर रखा है उसको हटाओ, सही पुट करो और आंसर वहाँ पे आपके सामने. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेवेंथ, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी. मैं कब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 3 साल से भी ज्यादा टाइम से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी. पर मैं क्या हुआ, अभी तक कोई भी सेंचुरी बनाने में मतलब कि वो नहीं रहा, कामयाब नहीं रहा. तो यहाँ पे अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बात है, जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के अंदर है. ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, मैं कब से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आ रहा है मतलब प्रेजेंट में है, पर पास्ट से जो है वो काम चल रहा है. तो ये जो बात हो रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट. खेल वो अभी भी रहा है क्रिकेट, और
पहले 3 सालों से भी खेल रहा है, तो जो बात है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है. तो यहाँ पे एम कैसे यूज कर सकते हैं हम हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर तो एम हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं हो सकती. यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैव बीन. हैव बीन, क्लियर? चेंज हो गया. हैव बीन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है, तो बाकी सारे जो सेंटेंस हैं वो क्लियर हो गए, क्योंकि सी पार्ट में भी देखो आपने हैव यूज करा. यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि जो बात है वो कौन से टेंस में की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में की गई है. अब ये क्वेश्चंस क्या थे? प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस थे. इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और जो रूल्स हैं आपको वो ऐसे जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे अप्लाई करने होते हैं, एक्सेप्शंस देखने होते हैं और उनका आंसर इजीली हम क्रैक कर सकते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है, बस रूल्स को आप थोड़ा ध्यान रखें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करें. थैंक यू.